नमस्कार, मैं अमन पिलानिया, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, हम हर बार कोई ना कोई एपिसोड लेके आते हैं, पूछती है जनता, उसमें समस्याएं दिखाते हैं हम आपको। राजनीतिक गलियारे एपिसोड में हम पॉलिटिकल इंटरव्यू दिखाते हैं। आज हम नए एपिसोड की शुरुआत करने जा रहे हैं, दंगल। दंगल तो आपने देखे होंगे, कुश्ती के दंगल देखे होंगे, लेकिन अब फिलहाल जींद में राजनीतिक दंगल चालू होने जा रहा है। हम आज नए एपिसोड की शुरुआत करने जा रहे हैं, जींद का दंगल। तो आज हमारे साथ अतुल चौहान जी हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत अतुल चौहान जी से होगी। नमस्कार अतुल जी। अब फिलहाल ड्रॉ हो गया है, पता चल गया है जींद से जनरल में महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, जो मेयर का चुनाव होगा। अरमानों पर पानी फिर गया कई पुरुषों के, लंबे समय से सोच रहे थे कि राजनीति में आएंगे, मेयर का चुनाव लड़ेंगे। तो आपको ऐसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है अब जो महिलाओं में आ गया है? नहीं, अच्छा है, और अच्छा है, मातृशक्ति आ गया है। और हमारी माता जी भी, जिन्होंने जो पहले BRC थे शिक्षा विभाग में, तो अब उनका ये, उन्होंने, हमने ये डिसीजन लिया कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। कहीं ना कहीं तो दुख हुआ होगा, इतने लंबे समय से आप समाज सेवा कर रहे हैं, आपका भी मन था राजनीति में आने का, कहीं ना कहीं तो आपको भी लगा होगा भाई दुख तो हुआ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दुख कुछ नहीं है। जब जो काम जब सार्थक हो जाए वही अच्छा होता है। और मेरे ख्याल से अगर जिन्होंने हमें पैदा किया है, अगर वो आगे आए क्योंकि वो हमसे ज़्यादा बेहतर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जींद की बात करें हम, जींद हरियाणा का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। सड़क की बात आए, स्वास्थ्य की बात आए, या शिक्षा की बात आए, जींद में कुछ भी देखने को नहीं मिलता। बारिश हो जाती है तो सीवरेज व्यवस्था भी बेकार है। तो आपका क्या विजन है, किस विजन के तहत आप जींद में काम करेंगे अगर जीत जाते हैं तो? जींद में मेरे ख्याल से हर डिपार्टमेंट, तो कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए आप, हर डिपार्टमेंट फेल है। चाहे आप हेल्थ का ले लीजिए, नगर पालिका का, जो भी नाले, कोई भी नाला देख लीजिए, कोई खुला नहीं है, कोई सड़क ठीक नहीं है, सारे शहर में ब्लॉक लगा दिए हैं, अर्बन स्टेट और शहर को सारा गांव बना दिया है। तो इस व्यवस्था को अगर परिवर्तन करना है तो व्यवस्था के अंदर घुसना तो पड़ेगा। तो इसीलिए यही किया है कि किसी तरीके से शहर के अंदर इसको शहर बनाया जाए गांव की वजह। आपका कोई रोड मैप तो होगा, कोई विजन तो होगा, मतलब क्या क्या काम करेंगे हम आने के बाद? काम हुआ क्या है, काम तो कुछ हुआ ही नहीं, काम से जीरो से शुरुआत दोबारा होगी। आप करेंगे विश्वास? बिल्कुल बिल्कुल, 100%। पहले विधायक जी भी कहते थे, जो चेयरमैन थे पहले, वो भी कहते थे हम जींद का विकास करेंगे, लेकिन विकास कहीं देखने को नहीं मिल रहा। देखिए, पता है क्या, कुछ बहुत से लोगों के कारण क्या होता है कि जनता विश्वास खो देती है नेताओं के ऊपर से। लेकिन हम नेता नहीं हैं, समाज से निकले हुए व्यक्ति हैं, तो 100% काम करेंगे। और समाज को भी पूरी हमसे जो मांग होगी, जो जो हमारे मन में होगा, जो जो सोच के आए हैं कि इस शहर के अंदर जो व्यवस्था दूर, मतलब इस समाज का ही, मतलब बिल्कुल एक तरीके से मलिया मिट कर दिया शहर का, तो समाज तराई माम होया हुआ कि कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए कि कहीं ना कहीं इस शहर का सुधार हो। अतुल जी, हम सड़कों की बात करें, पहले सड़क होती थी, अब जींद में सड़कों की जगह ब्लॉक की ईंटें बिछाई दी गई हैं। आप आएंगे तो कुछ बदलाव होगा जींद में? बिल्कुल जी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये ब्लॉक्स कम से कम हट जाएं, और जो कच्ची कॉलोनियां हैं उनके अंदर ये ब्लॉक चले जाएं, और यहाँ पे जो पहले की सीसी का या फिर जो तारकोल की सड़कें हैं वही बने। अब देखेंगे आप, जो जो पुल के नीचे से आप सड़क जा रही है, तो ये भी नगर पालिका के अंडर का, और ये PWD के, अब तो आई थी तो PWD वालों ने, उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ पे इसकी टाइल्स की सड़क बनाएंगे, और बनानी शुरू भी कर दी थी। हमने कोर्ट में स्टे लिया और कोर्ट ने निर्देश दिया कि यहाँ पे तारकोल की सड़कें बने। तो ये तो हमारे पास जब ताकत नहीं थी, जब हम कर रहे थे, जब ताकत आ जाएगी तो हम अपने तरीके से बढ़िया काम करेंगे। अतुल जी, कहीं ना कहीं हम देखने को मिलता है जनता का विश्वास भी उठ गया राजनीतिक नेताओं से, सत्ता में आने से पहले कुछ कहते हैं, सत्ता में आने के बाद कहीं ना कहीं बदल जाते हैं। सच्चाई है जी, क्योंकि वो राजनेता ही हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि समाज से निकला हुआ व्यक्ति ही समाज के बारे में सोच सकता है। ये सामाजिक लोग हैं ही नहीं, ये ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं, जो कुछ एक दिन बाहर आते हैं उसके बाद फिर अपना फिर उसी तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। हम जींद की बात करें, कहीं ना कहीं जो जींद का पिछड़ापन है, जो विधायक हैं और जो चेयरमैन है, उनका आपसी तालमेल भी नहीं है, कहीं ना कहीं वो भी कारण रहा है कि जींद में विकास नहीं हो पा रहा है। देखिए, तालमेल एक अलग चीज़ है। अगर जिस व्यवस्था ने, जो समाज ने जिस व्यवस्था पे जिस व्यक्ति को बिठाया है,
वो अपने उस पर पूरा टिका रहे तो क्यों काम ना हो। नहीं हो इन दोनों की, हो सकता है कई बार नहीं मिलते मन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम समाज का बुरा चाहेंगे। अगर समाज का बुरा चाह रहे हैं वो व्यक्ति तो वो समाज के खिलाफ है, तो आज ना आज या कल समाज उनको अपने जगह से उतारेगा। अतुल जी, जब चुनाव होता है, हम जींद की बात करें तो जींद में जब विधानसभा चुनाव होता है, 36 गांव विधानसभा में होते हैं और शहर होता है। अब हम जींद चुनाव की बात करेंगे, मेयर के चुनाव की, तो जींद का जो क्षेत्र है उनके वोट यहाँ पर डलेंगे। जींद में हम देखते हैं कहीं ना कहीं जाति समीकरण भी होता है कि पंजाबी पंजाबी को वोट करता है, बनिया बनिया को वोट करता है, तो आप किस तरह देखते हैं इस चुनाव को? मतलब जातिगत चुनाव देखते हैं या कोई विकास के नाम पर, कोई छवि, जो व्यक्ति की छवि उसके हिसाब से वोट? देखिए, जब जातियों में बंटता है शहर तब विकास तो हो ही नहीं सकता। ये लगा लीजिए उस टाइम पे शहर का विनाश हो जाता है। अगर वाकई में अगर इनको शहर का विकास चाहिए समाज को, तो जातियों से हट के कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की छवि को देख के वोट डालनी चाहिए। अतुल जी, आप समाज सेवा करते हैं, कहीं ना कहीं कोई पार्टी आपसे संपर्क साधेगी, कांग्रेस है, इनेलो है, जेजेपी है या बीजेपी है, कोई अन्य पार्टी आपसे संपर्क साधेगी, आम आदमी पार्टी है वो भी चुनाव लड़ने की इच्छुक है, आपसे संपर्क साधेगी, तो आप पार्टी टिकट से चुनाव लड़ेंगे? अभी कभी ऐसा सोचा नहीं है, अगर होता देखते हैं इस बारे में। फिर आप भी राजनीति में आके कहीं ना कहीं बदल तो जाए, आप कह रहे हैं समाज सेवा कर रहे हैं, हम समाज सेवी हैं, निकल रहे हैं राजनीति में जा रहे हैं। देखिए, जो लोग समाज के हित में काम करते हैं वो वर्षों से लगे हुए हैं, हम वर्षों से लगे हुए हैं। लगभग हमारा संगठन जयती जयती हिंदू महान संगठन लगभग 10 साल से काम कर रहा है समाज के लिए, ऐसा कोई। लेकिन जो अभी पिछले सालों में जो नगर पालिका और शहर का जो भ्रष्टता आप देखने को मिलेंगे हर चीज़ में, आप उस चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं समाज के लोगों को आगे आना पड़ा। अतुल जी, अब जो चुनाव हो रहा है, कहीं ना कहीं तैयारी तो आप कर रहे थे, हम और पुरुषों की बात करें जींद में, प्रदीप गिल है, सुनील वशिष्ठ है, जो अन्य है, प्रवीण बैनीवाल है, राजू पंजाबी है, तो उनकी हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो अपने हिसाब से तैयारी कर रहे थे जनता में जाने के लिए, खुद चुनाव लड़ रहे थे। अब कहीं ना कहीं उनकी धर्मपत्नियां हैं, किसी की माताएं हैं, किसी की बहन है, चुनाव लड़ेंगी, पहली बार राजनीति में कदम रखेंगी, वो कहीं ना कहीं जनता उनको कबूल करेगी, एक्सेप्ट करेगी जनता? करना भी चाहिए, मातृशक्ति आगे है, जो जिन्होंने उनको पैदा किया है, माता है, उनके अर्धांगनी है, हाफ पार्टनर है, तो जो उनका मिलके काम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, कोई चोला चौका से सीधा राजनीति में एंट्री करे कैसे लगेगा, मतलब जनता में? देखिए, कहीं ना कहीं अब महिलाएं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी तो आएगी, महिलाएं तो, लेकिन ये है कि कोई खास परेशानी आएगी नहीं, क्योंकि ये जींद शहर है, बहुत अच्छा शहर है, तो हर एक आदमी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप जीत गए तो आपकी माता का कमान रहेगा या आपका कमान रहेगा? ऑफकोर्स माता का ही रहेगा, हम तो सेवा करेंगे आपके समाज में, जो सेवा कर रहे हैं वही सेवा करेंगे बाद में भी। तो साथियों, ये थे हमारे साथ समाज सेवी अतुल चौहान जी, इनकी भी इच्छा थी चुनाव लड़ने की, लेकिन क्या करें, सीट रिजर्व हो गई है, महिलाओं के अंडर में आ चुका है। जो जींद का दंगल होगा, देखने को मिलेगा कि कौन इस दंगल में जीतेगा, काफ़ी अच्छा चुनाव होने जा रहा है, तो देखते हैं क्या रहेगा। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, और इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचार रखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।